आज हम मौजूद हैं अशरफ कादरी साहब जो है ना, उन्होंने यहाँ पे एक दुरुदो सलाम के लिए एक इस्लामी लाइब्रेरी बनाई है, उस हवाले से बात करेंगे। अशरफ कादरी साहब, आप बताएं इस लाइब्रेरी का जो असल मकसद है वो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल में दो चीज़ें जो है ना, नई नई आबादियाँ हो रही हैं, इनके बारे में सोचता था और इंक्वायर भी किया कि नई जितनी स्कीमें हैं जो उनके एट दी एलम अफेयर लोग हैं, उनसे पूछा, वो कहते हैं जी जी हाल भी बन गया है, फलां हो गया, फलां हो गया। तो कब्रिस्तान कहते जी वो नज़दीकी आबादी में, दूसरे नहीं है तो स्विमिंग पूल भी हैं, खेलों के मैदान भी हैं, तो लाइब्रेरियाँ नहीं हैं। तो जब से मैं इधर आया हूँ ये भी मैंने सोचा, तो लाइब्रेरी नहीं थी कोई भी, तो ये था मुतारक जज्बा कि कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम तो अल्लाह पाक का है, बंदे को सोच वही ज़ात अता करती है, फिर उसमें अमली सूरत भी वो ज़ात अता करती है। तो दोस्त अहबाब से थोड़ा मशवरा किया, चिश्ती साहब का माशाल्लाह काफ़ी रोल है, उधर मेरे घर में यही महफ़िल होती थी दुरूद शरीफ की, वहाँ से हम इधर आए, विज़िट किया, तो ये इनकी बरकत से पहली ईंट मैंने, बस अल्लाह ने दिया, आपके सामने एक शक्ल बन गई है, अब कलेक्शन भी इकट्ठा इकट्ठा हो रहा है। बस ये था इसका जज्बा कि सोसाइटियाँ सारी हम अहले किताब हैं, किताब से दूर हो गए, जबकि सारा ज़खीरा जो हमारे उलूम का है वो किताबों में है। तो बस इस तरह फिर सोचा है, अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल को भी किताबों से जोड़े और मुतालिया की आदत हमारे अंदर पैदा हो, हमारी ब्रेन की वसत हो, हमारी मालूमात में वसत हो, हमारे इल्म अमल में बरकतें आएँ। अब हम हाजी रमजान चिश्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे कि वो लाइब्रेरी के हवाले से क्या बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब की अनथक मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी से दूसरे दोस्तों भी, सज्जाद साहब, शाही साहब, ये सब ने मिल के माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, और आप अंदर जाके देखिए कि हज़ारों किताबें जो माशाल्लाह इस इलाके पूरे के लिए जो भी आएगा उसका फैज़ मिलेगा। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है, ये मरकज़ इलम का, तो ये अपने अपने इलाके में और भी जगह पे जो भी है, क्योंकि लोग किताब से दूर हो गए तो मोबाइल के करीब हो गए, तो किताब एक ऐसी चीज़ है जो बंदा एक दफ़ा पढ़ लेता है वो ज़िंदगी भर भूलता ही नहीं है। तो ये दीन का इलम जो है यहाँ से माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये फैज जारी है, और हर इतवार को दुरूद पाक की महफ़िल होती है, तो इतनी बाबरकत, इतनी माशाल्लाह रौनक होती है, रोज़ बर रोज़ अल्लाह के फजल व करम से ये रौनकें बढ़ रही हैं। प्रोफेसर साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई उस वक्त ये ना योगा करवाया करते थे, तो वो योगा के हवाले से हम चंद दोस्त इकट्ठे होते थे और एक्सरसाइज करते थे, तो वहाँ से इन्होंने फरमाया कि मेरा ये जी चाहता है कि हमारा जिस तरह एक हेल्दी एक्टिविटी हम योगा की करते हैं, इसी तरह हमारी एक लाइब्रेरी हो जिसमें हम लोग इस्लामी उलूम और बाकी असरी उलूम जो है उन पर किताबें हों, वो सारे हमारे बच्चे पढ़ें, हम लोग पढ़ें, और दूसरा कथारसिस के लिए एक हमें एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम दोस्त अहबाब बैठें, गपशप लगाएं, तमाम मौजूदात पे सैर असल बहस करें, और एक अच्छा उसका आउटपुट होगा इंशाल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद दिन पहले ही हमने ये सिलसिला शुरू किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह, और इसमें रमान चिश्ती साहब ने तो हर कंधे पे हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई है और हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं, और किस तरह से हालांकि बहुत मसरूफ हैं और वो किस तरह से टाइम निकालते हैं हमारे लिए हमेशा, तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे और ये इस तरह के ये सिलसिले चलते रहने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हल्का दुरूद व फ़िक्र की महफ़ल और ये मरकज़ इलम और यहाँ पे दरस हदीस, दरस तसव्वुफ़ और दरस कुरान प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब की क़्यादत में, उनके रहनुमाई में हो रहा है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पे नौजवान नस्ल को जो है इस तरफ रागब किया जा रहा है, और प्रोफेसर साहब का जो मेन टारगेट है वो नौजवान नस्ल है और न्यू जनरेशन है, और जब से ये सिलसिला शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे इसमें इजाफ़ा हो रहा है, और ये जो मरकज़ इलम है और इस तरफ आप प्लीज़ कैमरा करेंगे, ये इसके तरीके में हाजुल कुरान इंटरनेशनल के तहत ये पूरी दुनिया में ये मराकज़ कायम है, तो उस हम समझते हैं कि उसी की एक ब्रांच PCSIR में भी कायम है, और ये इसकी सरपरस्ती प्रोफेसर साहब जो है वो कर रहे हैं, और इससे पहले भी प्रोफेसर साहब डिफरेंट जगहों पे हल्का दरूद का हम सिलसिला इस इलाके में शुरू किया हुआ है।
तो इस चैनल के तवसल से जो दोस्त देखना चाहते हैं वो हर संडे को सुबह 8:30 से 9:30 इतवार वाले दिन इधर तशरीफ़ ले आया करें। मैं शुक्रगुजार हूँ अलहाज रमज़ान चिश्ती साहब का कि आज मुझे ये एक मरकज़ इलम, एक ऐसा सेंटर जिसकी सरपरस्ती जो है चौधरी प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब काजी कर रहे हैं, मुझे दिली खुशी हो रही है कि इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो क़यामत तक सदका जारी है। क्योंकि जो अहले इल्म जो है वो किताब से ही इंसान बनता है और किताब ही हमें रोशनी देती है और सबक देती है। तो इन्होंने माशाल्लाह हमने देखा है कि बहुत बड़ा ज़खीरा रखा हुआ किताबों का। अल्लाह ताला इनके इस मिशन को कामयाब फरमाए, आमीन। जी दोस्तों, इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो कि वो भी अपनी अपनी सोसाइटी में एक इस्लामी लाइब्रेरी बनाएँ ताकि हमारा इस्लाम जो है वो लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।